हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, सुबह का टाइम था और सुबह सुबह मेरी क्लीनिंग चल रही है। एक्चुअली नहा के आ गई थी मैं, बट नहा के आने के बाद मुझे लगा कि यार मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ना मैंने झाड़ू वगैरह तो पहले कर लिया था, बट बाद में याद आया कि यार मुझे सोफ़ा कवर थोड़े से गंदे लग रहे थे, सोफ़ा कवर्स भी क्लीन करने थे। और फिर मुझे लगा कि इतना कर ही रही हूँ तो डीप क्लीनिंग ही कर लेती हूँ। तो आज मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। एक्चुअली काफ़ी दिनों के बाद आज मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं तो ऐसा मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने का। नहीं तो आप लोगों को पता है कि मेरे घर के जो मैं सोफ़े पर कवर डालती हूँ ना, वो भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब थोड़ी सा भी मेस मुझे दिखता है ना तो मेरा मन ही नहीं लगता है। बट कुशन कहाँ जा रहे थे इस बार, मेरे कवर्स कहाँ जा रहे थे, उतना भी ध्यान नहीं रह रहा था मेरा। मतलब ध्यान नहीं, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। एक्चुअली अभी अभी तबीयत ठीक हुई थी मेरी, और मुझे लगा था कि थोड़ा सा भी अगर एग्जर्शन होगा तो मुझे और मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है। इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, इतना आलस जैसा आ रहा था मुझे, तो इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर मुझे अभी सोफ़े पर बैठी थी तो मुझे लगा कि यार नहीं, और सोफ़ा कवर्स गंदे हो गए, तो वो मैंने वॉश करने के लिए डाल दिए। और वो वॉश करने के लिए डालने के बाद फिर मैंने ना, मुझे लगा था कि कर्टन्स भी निकाल लूँ मैं, बट कर्टन्स निकालने में इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है और फिर उसको लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। उसको ना मुझे इनकी हेल्प चाहिए होती है उसके लिए, तो ये निकाल के देते हैं। फिर मैं लगाती हूँ और उसको मैं बांधती हूँ थोड़े से वो रस्सी वस्सी से, मतलब उसके जो वो नहीं रहता है क्या बोलते हैं रिंग्स, उसे बांधती हूँ, फिर उसको मशीन में डालती हूँ, फिर सुखाने के लिए डालो, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है उसमें। तो जब ये घर पे रहता है तभी मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती हूँ। फिर मैंने क्या किया कि जो फर्नीचर था वो पूरा क्लीन कर लिया। ये भी यहाँ का फर्नीचर जो है, मतलब टीवी यूनिट जो है, वो तो भला मैं क्लीन करती ही रहती हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के पूरा टीवी यूनिट क्लीन करती हूँ। और नीचे का जो है टॉप, तो वो तो डेली क्लीन होता है, बट जो फर्नीचर है ऊपर ऊपर का, ये पूरा सारा चीज़ें मैंने अभी आज क्लीन की है। ये जो डोर्स दिख रहे हैं, मतलब सीढ़ियों के नीचे वाले, ये डोर्स क्लीन किए, उधर के बेसिन के नीचे वाले डोर्स क्लीन किए, उसके बाद वहाँ पर जो एरिया है बेसिन वाला वो क्लीन किया। बहुत सारी क्लीनिंग की आज मैंने। क्लीनिंग क्लीनिंग में एक बार लग जाती हूँ ना क्लीनिंग में, तो फिर मेरा मन करता है कि नहीं यार पूरा ही क्लीन कर दूँ, तो आज वही किया। और कितने दिनों के बाद मुझे अच्छा लग रहा है कि यार नहीं, पहले जैसा मेरा घर दिख रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्लीन दिख रहा है। और ऊपर से ना यार कारपेट पे वो जो ट्राई ऑन हॉल करके ना, वो साड़ियों के धागे धागे रहते हैं ना, वो गिर गए थे, तो इसी वजह से बिल्कुल गंदा सा लग रहा था कारपेट। फिर कारपेट को जो है वो वैक्यूम क्लीनर से क्लीन किया, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी यार, बट ना शूट नहीं कर पाई कुछ भी ज़्यादा, क्योंकि अगर शूट करने जाते हैं ना तो फिर काम पूरा होता नहीं है और इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है और एग्जर्शन हो जाता मेरा, तो इसी वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। जो था वो थोड़ा सा आपको दिखा दिया, बस इतना ही है। बस अभी अपना करती रहूँगी, क्योंकि कैमरा इधर से उधर उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से मैं अभी अपना ये क्लीनिंग करती रहूँगी। गाइस, सारे काम हो चुके हैं और अभी अभी फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैंने जो शॉपिंग की है अमेजोन से वो आपको दिखा देती हूँ। बहुत सारी शॉपिंग की है यार इस बार भी, और बहुत डांट पड़ी है मुझे इस बार भी, क्योंकि यार मेकअप का सामान ना, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी मेरे दिमाग में कुछ और है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट मुझे सच में ज़रूरत है इस चीज़ की, बट ये समझ नहीं रहा है तो क्या करूँ। चलो कोई बात नहीं, ये देखो जो जो मैंने लिया है ना, ये सारा सामान मैंने यहाँ पर रख दिया है। कुछ पार्सल मुझे इससे पहले रिसीव हुए थे और कुछ पार्सल मुझे अभी रिसीव हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो आपको भी हेल्प मिल जाएगी। और पर्सनली मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे, डीएम वगैरह आप लोग कर रहे थे कि दी आपने ये कहाँ से लिया वो कहाँ से लिया, मैंने वीडियो में दिखाया था, तो मैंने सोचा चलो पूरा ही आपको दिखा देती हूँ जो भी मैंने लिया है अभी, तो एक एक करके दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या क्या मैंने लिया है अमेजोन से। तो सेल चलता है ना, तो मुझे ना ऐसे क्या होता है कि पता नहीं, मुझे लगता है कि अभी प्राइस डाउन हो गई है तो चलो जल्दी से ले लेते हैं, तो ऐसे अभी सेल चल रहा है तो आप भी ले सकते हो, इसलिए मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ और आपका भी फायदा हो जाएगा अगर आपको लेना है तो, क्योंकि पर्सनली आप डीएम करते हो ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि चलो यार मतलब जब प्राइस हाई हो जाती है तो ऐसा लगता है कि यार नहीं अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, बट जब प्राइस डाउन होती है ना तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि चलो दिखा देते हैं। सबसे पहले मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी इस चीज की। ये आप समझ रहे हो ये क्या है, ये है शैम्पू लगाने के बाद करने वाली मसाज, मतलब स्कैल्प तक आपका शैम्पू जाना चाहिए। जैसे हम लोग शैम्पू यूज करते हैं तो वो स्कैल्प तक आपके पहुंचता ही नहीं है और आपका डैंड्रफ होता है बहुत ज्यादा उसकी वजह से,
तो आप ऊपर ऊपर से ही शैम्पू कर लेते हो और फिर स्कैल्प आपकी क्लीन नहीं होती है। तो ये आपके स्कैल्प को क्लीन करने के लिए ब्रश है। मतलब ये जो आप ब्रश यूज करोगे ना, जैसे शैम्पू करने के बाद ये ब्रश ऐसे ऐसे यूज करोगे ना, ये सिलिकॉन ब्रश है और आप देख सकते हो नोकीले काटे हैं ऐसे सिलिकॉन के। तो आप ऐसे ब्रश करोगे तो ज्यादा चुभेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छे से आपके स्कैल्प को क्लीन कर देगा। तो ये बहुत अच्छा है मतलब यूज करने के लिए डेली, जब भी आप शैम्पू, डेली नहीं, जब भी आप शैम्पू करते हो, वैसे भी आपको शैम्पू एक दिन छोड़ के तो करना ही चाहिए, तो अल्टरनेट डेज आपको शैम्पू करना चाहिए, एक दिन या दो दिन छोड़ के शैम्पू करना चाहिए, तब जाके आपके स्कैल्प क्लीन रहेगी और आपका डैंड्रफ नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, तो वो डैंड्रफ का प्रॉब्लम इससे खत्म हो जाएगा। स्कैल्प अगर आपकी क्लीन रहेगी ना, तो आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा, आपके डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी नहीं होगा आपको, और बहुत सारे प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा आपको। तो ये बहुत जरूरी था। और मसाज आप जब स्कैल्प के करते हो ना, तब आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है। इसे आप 2 in 1 यूज कर सकते हो, जैसे आप ऑयलिंग करते हो उस टाइम भी इसे यूज कर सकते हो मसाज करने के लिए, और शैम्पू करने के बाद भी इसे यूज कर सकते हो शैम्पू को फैलाने के लिए, मतलब स्कैल्प तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट, और मुझे ना बहुत पहले ही रिसीव हो गया था, तो काफी दिनों से मैं इसे यूज कर रही हूँ, बाथरूम में ही था। अब भी माही को बोला लाने के लिए कि चलो लाके दो, और इसका बॉक्स मुझे मिल गया था, तो बॉक्स मैंने रख ही दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि आपको दिखाने लायक ये प्रोडक्ट है, क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा है ना ये प्रोडक्ट, मुझे लगा था कि आपको दिखाने लायक सच में ये प्रोडक्ट है, तो इसीलिए मैंने दिखा दिया आपको। फाइनली बहुत ज्यादा अच्छा है, इस तरह से इसका बॉक्स मिलता है और इसमें ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। और फिर मैंने लिया है ये ब्रश, हेयर ब्रश की मुझे सच में जरूरत थी, क्योंकि जितने भी मेरे पास ब्रश रहते हैं ना, अद्विक तोड़ देता है, और इतना सुंदर ब्रश रिसीव हुआ है ना, तो आपको क्या बताऊँ। प्राइस के अकॉर्डिंग सच में बहुत ज्यादा अच्छा ब्रश है। और अगर आप ब्रश यूज करते हो ना, जैसे कि कोम यूज करते हो, तो बहुत ज्यादा आपके हेयर फॉल होता है, मतलब आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, तो ब्रश अगर यूज करना स्टार्ट कर देते हो ना आप, तब आपके बाल बहुत कम टूटते हैं। और इसकी जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे, और इसका कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा है। तो जैसे रिसीव हुआ तो मुझे लगा भी नहीं था कि इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी मिल सकती है, बहुत ही कम प्राइस का है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे जो भी मैंने लिया है, और बहुत ही यूजफुल चीजें ली है, तो आप ले सकते हो, और आपको अगर परचेस करोगे तो आप पछताओगे नहीं, इतनी अच्छी चीजें हैं इसी वजह से। तो ये ब्रश मेरा सेकेंड परचेस है, काफी ज्यादा अच्छा लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, सच में, मतलब इतना अच्छा क्वालिटी का आपको मार्केट में, लोकल मार्केट में भी प्राइस में नहीं मिलेगा। और मेरा जो पहला ब्रश था ना, तो इतना महंगा होने के बाद भी अद्विक ने ऐसे पटक पटक के तोड़ दिया, इसी वजह से इससे पहले का भी वैसे ही पटक पटक के तोड़ा, और इस बार का भी ऐसे ही पटक पटक पे तोड़ा, तो इसी वजह से ब्रश अभी ये है, मैं हाथ में नहीं लगने दे रही हूँ उसके, ये पैकेट था मेरे पास, तो इसी वजह से मैं आपको दिखा दिया। और नेक्स्ट मैंने लिया है ये ब्लश, ये मतलब सच में मुझे काफी दिनों से चाहिए था, यहाँ से ओपन होता है, काफी दिनों से चाहिए था। कोरल कलर है और बहुत ही प्यारा है। अगर आप कोई सस्ते में ब्लश ढूंढ रहे हो, मतलब एक सिंगल ब्लश और वो भी अच्छी ब्रांड का और सस्ते में, तो ये ब्लश आप ले सकते हो। यार निकल क्यों नहीं रहा है, निकल क्यों नहीं रहा है, ये अब निकला। तो इसमें आपको इस तरह से ब्रश भी मिल जाता है ब्लश लगाने के लिए, बट आप ये यूज नहीं करोगे, मुझे पता है सबके पास ब्रश रहते ही है, तो आप जो ब्रश है आपका वो यूज कर सकते हो। और अगर आपको कहीं जाना है ब्रश यूज नहीं, मतलब लेके नहीं जा रहे हो, तो ये ब्रश भी आप यूज कर सकते हो ब्लश लगाने के लिए, बहुत छोटू सा कॉम्पैक्ट सा ब्रश है, मस्त ब्रश मिल जाता है इसमें। और उसके बाद ये ब्लश आप देखो, बहुत ज्यादा प्यारा कलर है, आप बहुत ज्यादा इसे यूज करोगे, इतना पिगमेंटेशन अच्छा है इसका। और ये डोबेरा का है, ये मिलानी का फाउंडेशन। एक्चुअली ये फाउंडेशन मुझे कब से चाहिए था, बहुत अच्छा ब्रांड है, काफी ब्लॉगर ने, काफी ब्यूटी ब्लॉगर ने इसको अच्छा कहते हुए सुना था, इसी वजह से मुझे चाहिए ही था ये। मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। और इसमें मेरा शेड है वार्म 05, वार्म बेज, तो बहुत ज्यादा अच्छा फाउंडेशन है ये, और जल्दी से ब्लेंड हो जाता है, आप देख सकते हो बहुत जल्दी ब्लेंड होता है। और इतनी सी क्वांटिटी मैंने ली है, और आपको दिखा दो, ये देखिए, और एकदम स्किन की जैसा लगता है, बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, बहुत अच्छा लगा ये मुझे फाउंडेशन। और ये ब्रांड टू ब्रांड होता है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये फाउंडेशन, ये 2 in 1 फाउंडेशन है, मतलब फाउंडेशन प्लस कंसीलर है, तो इसका 2 in 1 काम होगा, मतलब फाउंडेशन की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो और कंसीलर की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। डार्क सर्कल आपके कवर हो जाएंगे, और आपके जो मतलब कोई भी स्पॉट हो आपके फेस पे वो भी कवर हो जाएंगे,
बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों का हाइड कर देगा ये, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आया। अगर इससे कोई मेकअप लुक चाहिए आपको तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इसके साथ मैं मेकअप लुक आपके साथ बहुत जल्दी से शेयर करूंगी, बट वो जाएगा माय स्टाइल एंड टिप्स पे, तो जल्दी से बताना। और इसका रिव्यू भी अगर आपको चाहिए हो तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो वो मैं आपके साथ माय स्टाइल एंड टिप्स चैनल पे शेयर ज़रूर करूंगी। और उसके बाद मैंने ये शुगर का कॉम्पैक्ट लिया है, ये बनाना पाउडर है एक्चुअली, और ये भी आप देख सकते हो, ये भी मुझे बहुत दिनों से मेरा लेने का मन था, फाइनली ले लिया। यहाँ पर आपको एक जगह मिलती है ये पफ रखने के लिए, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलता है, ये देखिए बनाना पाउडर, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये देखो बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर है और कवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी। तो मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, आप देख सकते हो, और ब्रांड तो है ही, ब्रांड तो शुगर ब्रांड से है, और इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको मिरर मिल जाता है, और मतलब पफ रखने के लिए सेपरेट जगह मिल जाती है, तो इसी वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब पफ में ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं आएगा, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद मैंने ये छोटू सा मिनी सा ये लैक्मे 925 सीसी क्रीम लिया है, क्योंकि मैं इतना सीसी क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ, तो इसी वजह से मैंने ये नो मेकअप मेकअप लुक के लिए लिया है, तो मुझे ये मैंने यूज़ नहीं किया है एक्चुअली, जो यूज़ करते हैं उनको तो पता ही होगा, उसमें मेरा शेड है बेज 01, तो जो यूज़ करते हैं उन्हें तो पता ही होगा अच्छा है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड बता रही थी मुझे कि बहुत ज़्यादा अच्छा है यूज़ करके देखना, तो मुझे लगा कि चलो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी नहीं यूज़ किया ये, तो इसी वजह से ये छोटू वर्जन मैंने ले लिया है, छोटू सा कॉम्पैक्ट सा ये पैक ले लिया है। अभी अगर अच्छा लगे तो मैं इसके बाद भी लेने वाली हूँ, तो ये मैं पहले यूज़ करके देखती हूँ, तब जाके पता चलेगा। और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, शायद 99 रुपीज़ इसकी प्राइस है, पता नहीं यार, 105 है, बट 99 रुपीज़ में शायद मुझे मिल गया था ये, तो मैंने ले लिया। मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करने के लिए छोटू सा ले लेते हैं, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो फिर बड़ा ले लेंगे। फिर मैंने लिया है ये दो लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि आपको क्या बताऊँ। मैंने पिछली बार भी इसका एक शेड परचेस किया था, और बर्गंडी शेड था वो, पता नहीं अभी, वाइन वाइन शेड था, सॉरी, तो वो वाइन शेड था। और ये मैंने लिया है 660 टच ऑफ स्पाइस नंबर, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब ये शेड आपको दिखा दूँ मैं, ये शेड कुछ इस तरह से है, मतलब क्या बोलते हैं, न्यूड शेड है, पिंक शेड है, और डेली उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा शेड है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा शेड है डेली यूज़ के लिए। इसको लगाने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई लिपस्टिक अप्लाई किया है, मतलब आपके नेचुरल पिंक जो लिप्स का कलर होता है ना, वैसा लगेगा आपको, और डेली यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये कलर। और उसके बाद, और हाँ, फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके अगर ड्राई लिप्स है तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करके रखेगा आपके लिप्स को। उसके बाद मैंने लिया है ये मेबलिन का ही सुपर स्टे इंक क्रेयॉन। मैंने इंक लिपस्टिक तो पिछली बार आपको दिखा दी, बट ये इंक क्रेयॉन है, ये न्यू है, तो इस तरह से आपको क्रेयॉन मिलता है, और उसके बाद इसके पीछे आपको ये शार्पनर मिलता है, और उसके बाद ये आपको को लगाने के लिए कैप मिलती है। और इसका जो शेड है ना, वो आपको दिखा दूँ, परफेक्ट ब्राउन टोन में शेड है, परफेक्ट ब्राउन, ये देखो आप, बहुत ज़्यादा सुंदर शेड है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। ब्राउन शेड मुझे ऐसे ब्रांड में चाहिए था, तो इसी वजह से, इसके पहले मेरे पास ब्राउन शेड में कौन सा था, लैक्मे का 925 में ब्राउन शेड, वो भी मुझे बहुत पसंद है, और ये भी मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा है शेड, मतलब मुझे सच में चाहिए था इस तरह का, मतलब कॉम्पैक्ट में कहीं पर भी ट्रैवल करती हूँ तो लेके जा सकती हूँ इस तरह से। तो ये है मेरी दूसरी लिपस्टिक। और फिर मैंने लिए है दो नेल पॉलिश, तो ये है फेसेस कनाडा के, और आप लोगों को सबको पता है कि मुझे फेसेस कनाडा के लिपस्टिक बोल रही हूँ, और नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा पसंद है इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करते हैं। बहुत सारे मैंने नेल पॉलिश ट्राई किए, बट मुझे सच में पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करते हैं और शाइन भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये जो नेल पॉलिश है दोनों मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। कलर बहुत ही प्यारा है, मतलब अभी ट्रेंडिंग में जो कलर चल रहा है ना, उस तरह का शेड है ये, हाई एंड शाइन है फेसेस कैनेडा का, और ये अल्टीम प्रो है फेसेस कैनेडा का, तो
इसका जो लिंक है ना, मैं सारे चीजों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर एक एक के कोड और वो बताने जाऊंगी ना तो आपको मतलब वो होगा, कंफ्यूजन होगा, तो आपको मैं एक सबके लिंक्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या है ये वेगा का नेल फाइलर, क्योंकि वेगा के नेल फाइलर्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। इससे पहले भी मेरे पास वेगा का ही नेल फाइलर था और वो बहुत दिन तक टिका, मतलब अभी तक वो चल ही रहा है। बट उसके पीछे की क्या पता नहीं, अद्विक ने क्या कर दी, गायब कर दी, और वो भी कब गुम कर देगा वो पता नहीं। तो इसी वजह से मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया नेल फाइलर, और बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होते हैं वेगा के नेल फाइलर्स। तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है, बिग साइज में लिया है, आप देख सकते हो, और इजीली ना, बहुत ही इजीली ये नेल फाइल कर देता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। और उसके बाद मैंने लिया है ये आप बहुत वेट कर रहे थे कि जो मैंने कर्ल्स किए थे वो किस चीज़ से किए थे और कैसे किए थे, तो मैं आपको बता दूँ। मैं आपको साइड में पिक भी लगा दूंगी कि कर्ल्स कैसे होते हैं इससे। बट ये आप देखो, ये टॉन्ग मैंने लिया है और ये कलर बहुत ज़्यादा पतला है, और यहाँ पर ऑन ऑफ का है बटन, और यहाँ पर इतनी जल्दी हीट होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी आप इससे कर्ल कर सकते हो, मतलब बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली कर्ल्स होते हैं। जैसे आप इससे इस तरह से जल्दी जल्दी बाल घुमाओ इस पे और इंस्टेंटली निकाल दो, जल्दी से कर्ल्स हो जाएंगे और इतने ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। जो मैंने न्यू हेयर स्टाइल बनाई है ना अपनी कर्ल्स करके, तो वो इसी की वजह से मैंने अचीव की है, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने थोड़ी माही की भी हेल्प ली थी उसके लिए, मतलब माही ने ही करके दी थी मुझे वो हेयर स्टाइल। एक्चुअली पीछे के हाथ नहीं हो रहा था मेरा अच्छे से, तो इसी वजह से पीछे का पूरा माही ने करके दिया, फिर आगे का भी माही ने करके दिया, पूरी हेयर स्टाइल माही ने बना के दी थी। क्रेडिट मैं माही को देने वाली हूँ उसका पूरा। तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है ये कलर, और 5 में से 5 स्टार मैं दूंगी इस कलर को। आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो, मतलब प्राइस इसकी, मतलब जो आप प्राइस पे करने वाले हो ना, वो पैसा वसूल होने वाला है पूरा का पूरा। तो इसी वजह से पैसा वसूल कलर है, और ये 11 का इंस्टा हेयर कलर है। बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है कलर, और साइड में आप पिक भी देख रहे हो कि किस तरह से कर्ल्स होते हैं इससे बाल, और इंस्टेंट होता है। इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है कर्ल करने। डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो, मतलब आपका जो पैसा है वसूल होने वाला है इसको परचेस करने के बाद। बहुत ज्यादा अच्छा है और इंस्टेंटली काम करता है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और लास्ट मैंने लिया है ये मेकअप किट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत 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 ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी लगी मुझे इसकी, क्योंकि मैं अगर कहीं जाती हूँ ना तो मेरे पास ऐसे एक किट चाहिए थी मुझे, जो जिसमें मैं अपना पूरा सामान लेके जाऊँ और उसमें मेरा सामान खराब भी ना हो। तो इसी वजह से मैंने ये वाली किट ली, और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मुझे रिसीव हुई है इसमें। जो मतलब जैसे कि अभी आपको हाथ लगाने के बाद ही फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर आपको ब्रशेस रखने के लिए भी जगह मिल जाती है, आप देख सकते हो यहाँ पर सारे ब्रशेस आपके यहाँ पे आ जाएंगे, छोटी मोटी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएगी जो आप रखना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके मेकअप प्रोडक्ट आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर ब्लश रख रहे हो या आप ये चीज़ें रख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपकी यहाँ पर नहीं आती है, मतलब जैसे कि बड़ी साइज़ है, जैसे कि अभी यहाँ पर रखना है मुझे, तो यहाँ पर अच्छे से आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से ये निकाल के दूसरी जगह भी लगा सकती हूँ। मतलब यहाँ पर अच्छे से जगह हो गई, अभी आप देख सकते हो ये अच्छे से रख पा रहे हो आप। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो, इसकी जो साइज है वो एडजस्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, जैसे कि अभी ये मेरे नेल पॉलिश भी यहाँ पर आ गए, और उसके बाद अभी ये मेरा फाउंडेशन भी यहाँ पर आ गया, फाउंडेशन ऐसे लिटा भी सकती हूँ मैं इसको, फाउंडेशन काफी सारे आ जाएंगे, फिर उसके बाद लिपस्टिक्स आ जाएंगे काफी सारे इसमें, आप देख सकते हो सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ जाती है, जो भी आप चीज लेके जाना चाहते हो। और टूटने फूटने का मेन चीज, तो टूटने फूटने का डर नहीं है, बिल्कुल भी टूटी फूटेगी नहीं इसमें कोई चीज आपकी, और बहुत ही अच्छी आ जाएगी, सारी चीजें आपकी एक ही इसमें आ जाएगी, और आप अच्छे से इसे कैरी कर पाओगे, कहीं पर भी लेके जा सकते हो आप इसे, और आपका मेकअप खराब होने की टेंशन नहीं है। और बहुत 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 ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। अब जो भी प्रोडक्ट मैंने दिखाए ना आज, वो मुझे काफ़ी दिनों से चाहिए थे और मैंने ले लिए फाइनली, और इसको जमा करने के लिए टाइम लगा, बट मुझे चाहिए थी तो फाइनली ले ली, और डांट भी खाई इसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही हूँ आजकल मैं, और उसके लिए मैं डांट भी बहुत खा रही हूँ। फिर भी यार जो चाहिए वो चाहिए, और जाने दो वो तो छोड़ो। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है और आपको लेना है, तो लिंक्स मैंने इसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं आपके लिए,
आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, और अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपको वहां पर इन सारे प्रोडक्ट के लिंक मिल जाएंगे, और लिंक पे क्लिक करके आप इन प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। और सेल चल रही है तो जरूर फायदा लीजिए इस सेल का, क्योंकि इतने कम प्राइस में अभी ये सारी चीजें मिल रही है ना, उतना प्राइस आपको बार बार नहीं मिलने वाला है, तो इसी वजह से जल्दी से डील को ग्रैब कर लीजिए। तो अब जाके फ्री हुई यार, जब आपको प्रोडक्ट दिखाए थे ना तो उस टाइम से मैं अब भी फ्री हुई हूँ। सुबह से खाना नहीं खाया और बस दो बार चाय पी, वो भी मैंने माही को मांगी थी चाय बना के, तो माही ने मुझे दे दी थी। क्या हुआ कि जो रिसेप्शन का ब्लॉग है मराठी चैनल पे आ गया है, मामा के रिसेप्शन का ब्लॉग, वो रिसेप्शन का ब्लॉग मुझे दो से तीन बार अपलोड करना पड़ा, और इतना बड़ा ब्लॉग 3 बार अपलोड करना पड़ा। क्यों ये भी बता देती हूँ, क्योंकि उसमें सॉन्ग वगैरह थे ना तो उसपे कॉपीराइट आ रहा था, बार बार कॉपीराइट आ रहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो बार बार उसे जो सॉन्ग है वो डिलीट कर रही थी, उसके बाद और अपलोड कर रही थी और कॉपीराइट आ रहा था, तो ऐसे करके मैंने 3 बार अपलोड किया वो ब्लॉग। और इसके चक्कर में ना मुझे अब तक, मतलब अभी 7 बज रहे हैं शाम के, अब तक मैं परेशान थी। और पहले एडिटिंग में परेशानी हुई, मतलब बहुत टाइम लग गया एडिटिंग में, उसके बाद फिर अपलोडिंग में इतना ज्यादा टाइम लग गया, मतलब इतनी बार अपलोड करने के चक्कर में मुझे इतना टाइम हो गया। और जो डीप क्लीनिंग मैंने की है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, थोड़ी थोड़ी मैंने आपको दिखा दी क्लिप, बट मुझे वीडियो एडिट करने थे इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ किया। और 2 अपलोड करने थे वीडियो, मतलब ये एक हिंदी चैनल के लिए और एक मराठी चैनल के लिए, तो 2 वीडियो एडिट करने थे, दो वीडियो अपलोड किए, तो इसके चक्कर में ना मुझे इतना ज्यादा टेंशन आ गया। अगर मैं डीप क्लीनिंग का ब्लॉग बनाती ना तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता और फिर उसके एडिटिंग में टाइम जाता, तो इसी वजह से मुझे जल्दी से ये वीडियो अपलोड करने थे तो मैंने वो शूट नहीं किया ज्यादातर, बस थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाई और उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लग गई। उसके बाद फिर एडिटिंग के लिए बैठी तो बहुत ज्यादा उसमें ही टाइम चला गया यार। आपको पहले प्रोडक्ट दिखाए उसके बाद यहाँ पर आ गई, तो तब से मैं बेडरूम में ही बैठी हूँ। हाँ, आपने अगर मामा के रिसेप्शन का ब्लॉग नहीं दिखा है तो जल्दी से जाइए यार, क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा मस्ती मजा की हमने वहां पे, जल्दी से जाइए देख लीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाए हैं वहां पे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और हम लोगों ने मिस घर वालों ने बहुत अच्छा डांस किया है, मैंने तो ऐसे ही किया, तो बहुत अच्छा डांस किया है, भाभी ने अच्छा डांस किया, भाई ने अच्छा डांस किया, तो भाभी और भाई भी आए थे रिसेप्शन में तो उन्होंने भी अच्छे से डांस किए, तो इसी वजह से जल्दी से जाके चेक कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। और वहां पर एक मेरे सब्सक्राइबर के हस्बैंड भी मिले थे, तो इसी वजह से उनसे भी मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, सच में सच बताऊं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। तो वहां पर और भी सब्सक्राइबर्स मिल गई थी मुझे मेरी, तो वहां पर ना मतलब रिसेप्शन में काफी सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए थे, तो इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा रिसेप्शन में। आप चेक कर लेना, आपको भी देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तो मराठी चैनल पे आया है वीडियो, अगर आपको नहीं पता है मराठी चैनल का नाम क्या है तो मराठी ब्लॉगर कांचन, ये मराठी चैनल का नाम है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको दोनों चैनल के लिंक मिल जाएंगे मेरे, एक मराठी चैनल है और एक रिव्यू चैनल है, दोनों चैनल के लिंक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। और हाँ, जो प्रोडक्ट्स मैंने लिए है ना उसमें से जो क्या बोलते हैं कर्लर और एक मेकअप किट और क्या बोलते हैं तो वो जो है ना क्या ब्रश, वो बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें हैं, तो अगर आपको परचेस करनी है तो लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब सारी चीजों का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वो जो मैंने आपको दिखाई ना फेसेस कैनेडा की नेल पॉलिश, वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई है ना, वो शेड मुझे इतने ज्यादा पसंद आया, एक पाउडर ब्लू कलर है और एक पर्पल कलर है जो अभी ट्रेंड में है, मतलब बहुत लाइट कलर नहीं होता है पर्पल कलर, बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, बहुत लॉन्ग लास्ट करते हैं वो। और इससे पहले भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, मेरे पास बहुत ज्यादा फेसेस कैनेडा के वो है नेल पॉलिशेस है, मुझे बहुत पसंद है, लॉन्ग लास्ट इतने ज्यादा करते हैं ना, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छे है वो। आपको अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, ले सकते हो आप, क्योंकि अगर लोगे ना तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, इतने ज्यादा अच्छे वो नेल पॉलिशेस है। और आपको कलर भी पसंद आया, इतने अच्छे ट्रेंडिंग कलर है ना, बहुत ज्यादा अच्छे है, मुझे बहुत पसंद है। और बस मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ, क्योंकि अभी दिखाने के लिए तो कुछ नहीं है और मैं बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ, क्योंकि मेरी आंखें दर्द करने लगी है, अभी बहुत ज्यादा आंखें दर्द कर रही है, सुबह से नहीं खाया है तो खाने का मन भी नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि मैंने अभी चाय ले ली है ना तो इसकी वजह से मेरी भूख भी मर गई है, तो इसी वजह से खाऊंगी नहीं, थोड़ा सा लेट जाऊंगी थोड़ी देर के बाद, अभी दिया लगाने का टाइम है तो इसी वजह से अभी नहीं सोने वाली, लेकिन थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा लेट जाऊंगी, वो भी आंखों पे कॉटन रख के, वो रोज वाटर वाले, क्योंकि मेरे आंखें बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। तो चलिए, आई होप आप समझ जाओगे यार
कुछ दिखाने के लिए नहीं है अभी, तो कभी कभी ऐसा भी ब्लॉग, बट बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ मैं आज डीप क्लीनिंग की वजह से। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी क्लिक कर देना ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और आपने अगर इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे अच्छे पिक्स और रील्स अपलोड किए हैं, तो जरूर चेक कर लेना। आपको अगर पसंद आए तो मुझे वहां पर भी आप फॉलो कर देना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है दोनों चैनल का, और इंस्टा का और सारे प्रोडक्ट्स के भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।